हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया। सैटरडे का टाइम है, मॉर्निंग का। मैं बना रही हूँ मैगी बच्चों के लिए, और आज मेरा स्लॉट बुक है। सेकंड डोज लगना है मुझे वैक्सीन का, तो मुझे जाना है, इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी में हूँ। मुझे टाइम पे पहुँचना है, तो मैं लोगों को मैगी दे के जा रही हूँ, और मुझे अभी को बैठ के खिलाना भी पड़ता है, इसीलिए भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ भी देना पड़ेगा उसके साथ। और मैं पहुंच गई हूं हॉस्पिटल। ये है बदलापुर का सेंट्रल हॉस्पिटल। ये डेडिकेटेड था स्पेशली कोविड के लिए, बट अभी कुछ दिन पहले ये हर फैसिलिटी के लिए ओपन कर दिया गया है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूं अपने टर्न का, और फाइनली मेरा नंबर आ गया है, तो मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई हूं। और आप भी लगवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लैमिनेट करा के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ रखने वाली हूँ। अब मैं घर आ गई हूँ, मेरे काम कुछ भी नहीं हुए थे, जैसा मैंने बताया कि मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ा है। और अगर आपको कहीं बीच में जाना पड़ जाता है काम के बीच में, तो सारा काम डिले हो जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सफाई। सैटरडे है तो किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से हो जाएगा, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ज़्यादा डस्टिंग मैंने नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है। मैंने सोचा था कि आदि और रवि के स्कूल खुल जाएंगे, सुबह ज़्यादा काम होगा तो मैं मेड लगवा लूँगी, बट स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। और अभी तो फिर से सिचुएशंस जो है वो धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही है। कुछ ना कुछ केसेस जो है महाराष्ट्र में बढ़ते ही जा रहे हैं, मुंबई में भी। तो फिलहाल इस साल भी नहीं स्कूल खुलने वाले हैं, तो मेरी मेड भी नहीं मिलने वाली है मुझे। रोज़ इतनी गंदगी कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आता है। रोज़ इतनी सफाई के बावजूद इतनी धूल और गंदगी निकलती है। झाड़ू लग गई है, अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और वो भी आज मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ। और जिस दिन होता है ना कि हम हफ्ते में एक बार बहुत अच्छे से छुट्टी वाले दिन करते हैं, तो बट आज मैं नहीं कर रही हूँ। सैटरडे को, संडे को मैं फुल टाइम दूंगी, क्योंकि उस दिन कहीं जाना नहीं होगा तो शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लीनिंग के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग मल्टीटास्किंग है, तो हम एक साथ कई काम देख सकते हैं। तो मेरा झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे और मिश्रा जी। मैं अब जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे किचन में, और फिर हम करेंगे लंच की तैयारी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और ये वाइट वाले मटर हैं जिनको मैंने भिगो दिया था, तो इनको बॉयल कर लिया है। बहुत अच्छे से परफेक्टली बॉयल हो गए हैं ये। और ये फाइनली चॉप्ड कर लिया है मैंने, प्याज टमाटर अदरक को, और थोड़ा सा लहसुन है, एक साथ ही चॉप कर लिया है मैंने। और इनको बहुत अच्छे से मैं फ्राई कर दूंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने इनकी प्यूरी बनाई है या नहीं। और कुछ चीज़ों में चॉप करके ही ना प्याज टमाटर अच्छा लगता है, जितना कि प्यूरी ऐसा नहीं अच्छा लगता। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग, इलायची, लौंग और तेज़पत्ता। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फाइनली चॉप्ड प्याज टमाटर वगैरह। इसमें ऐड कर दूँगी नमक, ताकि इसकी जो भुनने की प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। और ड्राई मसाले डाल के इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे।
देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है मसालों से, तो अब इस स्टेज पे हम बॉयल्ड जो वाइट वाले मटर हैं उनको ऐड कर देंगे इसमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है, कंसिस्टेंसी थिक ही रखनी है। और ढक्कन लगा दिया मैंने और देखिए बन गए हैं हमारे परफेक्ट एक सीटी में ही मटर वाले छोले। और अभी हरी धनिया के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे, और हरी धनिया के बिना तो कोई भी चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट लगती है। तो तैयार हो गए हैं हमारे वाइट मटर के छोले लंच के लिए, और तैयार हो गई है हमारी लंच की थाली। तो वाइट वाले मटर के छोले हैं और गोभी गाजर का इंस्टेंट सिरके वाला अचार है। ये 24 आवर में रेडी हो जाता है और 2 दिन तक आप इसको खा सकते हैं। हरी चटनी है, प्याज है सैलेड में नींबू और नमक के साथ, और पूड़ी। तो इंजॉय करिए आप भी लंच हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।